Hello student, myself Prem Chand, PGT History, Kendriya Vidyalaya number 1, Roorkee. Today's discuss first chapter of civics of class 9th. Topic is what is democracy and why democracy. First of all, we discuss about definition and meaning of democracy. So let's start. What is democracy? लोकतंत्र क्या है? इसकी simple definition परिभाषा हम discuss करेंगे. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Simple है. लोकतंत्र में जो सरकार होगी उसके जो शासक होंगे वो लोगों द्वारा चुने जाएंगे, न कि वंशानुगत होंगे. लोकतंत्र की बहुत ही सिंपल और सबसे अच्छी डिफिनेशन मानी जाती है जो US प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई है. डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी लोकतांत्रात्मिक सरकार ऐसी सरकार है जो लोगों की है, लोगों द्वारा है और लोगों के लिए चलाई जाती है. अब हम लोग जो डेमोक्रेसी टर्म है जो उसमें अल्फाबेट आए हुए उसके माध्यम से भी इसको समझने का प्रयास करेंगे. जैसे डेमोक्रेसी है DEMOCRACY, हम एक एक अल्फाबेट को समझने का प्रयास करेंगे. यदि हम मान लें कि डेमोक्रेसी एक भवन है, एक बिल्डिंग है, तो जो इसके अल्फाबेट वो एक एक ईंट मानी जाएगी. हम इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि डिफिनेशन और क्लियर हो जाए. तो पहला इसमें अल्फाबेट है डी. डी मीन्स डिबेट, यानी लोकतंत्र में वाद संवाद चर्चा परिचर्चा आवश्यक है. सेकंड अल्फाबेट इलेक्शन, यदि लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र की सरकार है या देश है तो वहाँ पे इलेक्शन चुनाव होना आवश्यक है. ये एसेंशियल फीचर है गवर्नमेंट की. नेक्स्ट एम मीन्स मेजॉरिटी, यानी जो इलेक्शन में बहुमत को प्राप्त करेगा, जिसके पास संख्या बल ज़्यादा होगा सरकार उसी की बनेगी, वही शासन करेगा. अगला है ओ, वन वोट. लोकतंत्र में सभी नागरिक समान होते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता और इसी विशेषता को ध्यान में रखकर सभी नागरिकों के लिए एक वोट की व्यवस्था की गई है. नेक्स्ट अल्फाबेट सी कंपटीशन, यहाँ इलेक्शन होगा और जो ज़्यादा वोट पाएगा वो चुना जाएगा, वो रिप्रेजेंटेटिव होगा पब्लिक का और वो शासन करेगा. यहाँ कंपटीशन भी होगा. आर रेस्पेक्ट फॉर ऑल, यहाँ पक्ष का हो या विपक्ष का हो, अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, सभी को सम्मान दिया जाता है. यदि दिया जा रहा है तभी माना जाएगा डेमोक्रेसी है वास्तव में. ई एडल्ट बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है. एडल्ट मीन्स इंडिया में देखा जाए तो 18 एबव, जो जिसकी भी एज 18 साल से ज़्यादा है उसको एडल्ट माना जाएगा. और लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार उसी को है जिसका एज 18 साल से ज़्यादा है.
अगला है सी, सिटीजन यानी देश का नागरिक होना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने अधिकारों का प्रयोग कर पाएंगे। और लास्ट में है वाई, एक टू अचीव आइडियल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे अच्छी नहीं है, इसमें भी कुछ कमियां हैं, तो उस कमियों को दूर करने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है। थैंक यू।